Hello and very good evening, students, and welcome to Byju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all of the exam. मैं ललित महेंद्रता आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में. बच्चों, FCAT फर्स्ट 2024 का पेपर अब ओवर हो चुका है. तीनों ही दिन के सभी शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं, 16, 17, 18. तो मैं तीनों दिन की सभी शिफ्ट के मैथ्स और रीजनिंग, मतलब पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके सभी वो क्वेश्चन जो ऑथेंटिकली हमने चेक कर लिए और उसके सटीक रिजल्ट्स और आंसर्स के साथ आप लोगों के साथ हूँ. तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि बाकी सभी और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें मैं आप लोगों के साथ मैथ्स और रीजनिंग के तीनों शिफ्ट के जो इस बार FCAT के एग्जाम के सभी क्वेश्चन पूछे गए, वो आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह के सवाल मैथ्स के पूछे गए, किस तरह के सवाल रीजनिंग के पूछे गए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट डे. 16th को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, वो किस तरह के आए. तो पहला सवाल यहाँ पर है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से. तो एक ईजी क्वेश्चन था जिसमें आपसे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है बच्चों, कि मेरठ और दिल्ली से दो ट्रेन चलती हैं, पहली 5 बजे चल के मेरठ से दिल्ली पहुंचती है 9 बजे, और दूसरी दिल्ली से 7 बजे चल के मेरठ पहुंचती है 10:30 बजे. जब भी ये टाइम का क्वेश्चन आता है बच्चों, इन दोनों टाइम गैप का, जैसे ये 4 घंटे और ये 3.5 घंटे है, इनका एलसीएम ले लिया करें. जैसे यहाँ पे वो एलसीएम आ जाएगा 28, तो 28 किलोमीटर आप दिल्ली से मेरठ तक की एक रफ डिस्टेंस को मान लेंगे. अब जो पहली ट्रेन है जो 4 घंटे में 28 किलोमीटर चल रही है, मतलब उसकी रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जो मेरठ से चल रही है, और दूसरी जो चलती है वो हो जाएगी डिवाइड बाय कर लोगे 3.5, तो उसकी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर. तो ये दोनों एक दूसरे की ओर 7 और 8 की रफ्तार से चल रही है. ये 5 बजे चली थी, ये 7 बजे चली है, तो दोनों का टाइम आपको सेम करना पड़ेगा. तो अगर ये वाली ट्रेन जो 5 से 7 2 घंटे तक पहले चलेगी, क्योंकि ये तो 7 बजे स्टार्ट होगी, तो 2 घंटे में 7 की रफ्तार से ये 14 किलोमीटर तो तय कर चुकी होगी. तो 28 में से 14 गए, तो बाकी के 14 किलोमीटर ये रिलेटिव स्पीड 7+8 15 की स्पीड से कवर अप करेंगे. तो 14/15 60 से गुणा कर लें अगर इसको, तो हमें ये पता लग जाएगा कि टाइम कितना लगा इन दोनों को आपस में मिलने में. तो 56 मिनट लगे, कितने बजे के बाद, 7 बजे के बाद. तो 7:56 पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चों 7:56 AM, राइट, मॉर्निंग का क्वेश्चन है. तो ए एंड बी ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पेयर में वर्क दिया गया था बच्चों. इस तरह के सवाल में मैंने आपको बता रखा है कि इनका एलसीएम ले लिया करें. तो 20, 25 और 15 का मतलब हमेशा ऐसी कोई फिगर ले लिया करें जो तीनों को डिवाइड करती है. 20, 25 और 15, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 300 यूनिट, है ना. तो 300 यूनिट हम टोटल वर्क लेते हैं, तो 300 को जब आप डिवाइड करोगे 20 से तो ए प्लस बी की स्पीड आएगी, जब आप डिवाइड करोगे 25 से तो बी प्लस सी की स्पीड आएगी, जब आप डिवाइड करोगे 15 से तो ए प्लस सी की स्पीड आएगी. हमेशा इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है 2 times of A+B+C, जो कि यहाँ पे ऐड होके 47 देगा. तो ए बी सी की कंबाइंड स्पीड 23.5. आपसे पूछा गया है कि बताओ बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो इसके लिए आपको बी की स्पीड चाहिए. तो हम सी प्लस ए की जो स्पीड है 20 अगर यहाँ पुट कर देते हैं, तो 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी की अपनी स्पीड आ जाएगी 3.5. आपसे पूछा गया है बताइए बी को अपने आप इस पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा. तो पूरा काम है कितना, 300 यूनिट, और बी की रफ्तार कितनी है, 3.5 मतलब 7/2, तो ये हो जाएगा 600/7. तो इसको सॉल्व कर लेंगे
बस इतना ही है, इतना ही आपने इस क्वेश्चन में करना था कि एलसीएम लेके 300 और उसके बाद बी की स्पीड निकालनी थी ताकि आप बी का आंसर दे सके। तो 7 × 8 56, 7 × 5 5/7 days। बच्चों ये जो फिगर्स हैं ये मैंने जो आप लोगों ने बताई है इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो, लेकिन पूरा पैटर्न क्वेश्चन का यही रहा जो पेपर में पूछा गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करके 11 माइनस करना है तो 55.7, एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ वेन डायग्राम पूछा गया, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग ज्यादा पूछी गई है, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जो कैलकुलेटिव थे, जैसे ट्रेन्स का क्वेश्चन था इसी तरह के कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। तो वेन डायग्राम में देखो एयर और लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस इज अ एयर, राइट। लाफिंग गैस एयर का ही एक पार्ट है, राइट। लेकिन आइस इज अ सॉलिड, वो एक अलग कैटेगरी बनेगी। तो इस तरह का वेन डायग्राम रहेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एनालॉजी में नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि 83 इज रिलेटेड टू 9, सो 146 विल बी रिलेटेड टू विच नंबर। तो यहाँ देखो 9, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि पेपर में जो इस तरह के एनालॉजी के सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक किया करो। तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 है, उसमें 2 ऐड करोगे तो 83 मिलेगा। तो 146 किस नंबर के स्क्वायर से 2 ज्यादा है ना, वो 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है उससे 2 ज्यादा है, मतलब यहां पर नंबर क्या आना चाहिए, 12। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12, तो 12 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरी शिफ्ट जो 16 तारीख को, जो 16 फरवरी के डे पर जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए बच्चों, वो किस प्रकार के थे। देखो हर शिफ्ट में आप लोग चेक करते जाना कि हर शिफ्ट में क्या चीज कॉमन रही, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि किस तरह का पेपर रहा है। 5 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें शुगर की क्वांटिटी 80% है। अब 80% इज शुगर, है ना। अब 80% कितना होगा, 5 लीटर का ये हो गया 4 लीटर। इसका मतलब जो बचा हुआ है 20% वो पानी है और पानी की मात्रा हो गई 1 लीटर। आगे वो कहते हैं कि यदि इसमें हम 3 लीटर पानी और मिला दें तो बताओ शुगर की परसेंटेज क्या होगी। अब देखो आप पानी मिला रहे हो तो शुगर में तो कोई चेंज नहीं होगा, शुगर तो अभी भी कितनी रहेगी, 4 लीटर ही रहेगी। लेकिन पानी अब 1 लीटर से बढ़कर 1 + 3 4 लीटर हो जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का मतलब दोनों की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50-50%, राइट। तो शुगर की आपसे इसमें मात्रा पूछी गई तो शुगर की मात्रा कितनी आएगी, 50%। तो 50% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरिया इन पेरीमीटर की एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 60 और 40 है, 60 मीटर बाय 40 मीटर। कहा जाता है कि 5 मीटर चौड़े इसके अंदर 2 आर्टिफिशियल ग्रास के पाथ बनाए गए, है ना। 5 मीटर चौड़े ऐसे भी, 5 मीटर और ऐसे भी 5 मीटर चौड़े 2 ग्रास के प्लॉट बनाए गए। मैं इसको शेड कर देता हूं, जहां पे शेडिंग है वहां पे ग्रास की पट्टियां हैं, राइट। इस तरह से ग्रास की पट्टियां हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है ये 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर के अनुसार खरीदी गई अगर है तो इन दोनों पट्टियों को बनाने में कुल खर्च कितना आएगा। तो बच्चों टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद कर लो, इज कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू जिस एरिया में ये कवर कर रहा है उसका एरिया। अब एरिया यहाँ पे ये 2 स्ट्राइप है तो इन दोनों स्ट्राइप का ये तो पता ही हमें, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे 60 है, बस हमें वो एरिया निकालना है। तो एरिया में देखो ये लंबाई 40 है और चौड़ाई जो है वो पट्टियों की हर जगह आपको 5 मीटर दे रखी है ना, यहाँ भी 5 मीटर है और इधर भी 5 मीटर है। तो 40 × 5 और दूसरी पट्टी की 60 × 5 हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये वाला पोर्शन इसमें दोनों पट्टियों में आ जाएगा तो ये 2 बार आ जाएगा, एक बार हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये आ गया बच्चों 60 × 475 जो कि आपको 28,500 रुपए का कुल
मूल्य देगा, तो ये कुल खर्च आएगा इन दोनों पट्टियों को कवर करने का। तो ये क्वेश्चन एरिया और पेरीमीटर से इंपॉर्टेंटली पूछा गया आपके एग्जाम में। ये सेल्स आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 10%। ए ने बी को एक आर्टिकल बेचा 10% के नुकसान पे, बी ने उसको सी को बेच दिया एट अ गेन ऑफ 20%। यदि सी ने इसके लिए पे करे 540,000 रुपए, तो आपने बताना है कि ए को ये चीज कितने की पड़ी थी। अब इस तरह के सवाल को मैं कई बार बता चुका हूं, ये टोटल परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, और टोटल परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन को आप जो फॉर्मूला है टोटल परसेंटेज चेंज का, इससे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कितना कुल प्रतिशत बदलाव हुआ है। तो x की जगह -10, y की जगह +20, तो ये हो गया 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -200/200, तो मतलब ये हल होके आपको मिलेगा 8%। तो इस पूरे प्रोसेस में 8% का गेन हुआ है, मतलब ए से लेकर सी तक जो प्राइस में चेंज आया है वो 8% आया है, मतलब 108% ऑफ ए की प्राइस इज इक्वल्स टू 5,40,000। ये 5,40,000 108% के बढ़ने पर बने हैं, तो हमें ए की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। बच्चों यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे, कट करके आंसर आ जाएगा इसका 5,00,000 रुपया, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ये मैंने कॉस्ट प्राइस ली है ए की, जिसको मैंने ए लिखा है, वो 5,00,000 रुपए होगी। तो बड़ा आसान सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस को आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट इस क्वेश्चन से कवर अप होता है। 2/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 2/3, 2/3 ऑफ अ नंबर एंड 25/216 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर आर इक्वल। ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं यदि, तो आपने पता करना है नंबर क्या है। तो ये तो सीधा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक्स को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हम 3 को इधर ऊपर ले जाते हैं, नीचे 216 है और यहाँ है नीचे 2, ये काट देते हैं तो ये हो गया 72 × 2 = 144 और ऊपर है 25। तो एक्स स्क्वायर अगर ये है तो एक्स रूट सॉल्व करके मिल जाएगा 5/12। तो x का मान, मतलब वो जो नंबर है वो 5/12 है। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो एक अच्छा आप लोगों के लिए सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एनालॉजी का कंप्लीट करनी है सीरीज की, बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो 2, 3, 4 नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 5 होगा, 6, 7, 8 तो उसके बाद 9 होता है, 7, 8, 9 के बाद 10 नहीं होता है, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं मैथ्स में, तो 9 के बाद दोबारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 590 इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। हाँ, कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर 111 का अंतर है तो अगला नंबर 600 होगा, लेकिन 600 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन इस रीजनिंग से आपका 590 बैठता है। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन टेबल फॉर्मेट में दिया गया है, जहाँ पे आपको मल्टीपल सीरीजेस दी हैं, जिसको आपने चेक करके बताना है कि क्वेश्चन मार्क जिस पॉइंट पे है ये नंबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला कॉलम है ये नंबर्स का क्यूब है, 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। यहाँ देखिए, ये सभी नंबर स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। और जो बात रही लास्ट वाले कॉलम की, तो ये सबकी पावर 1 है, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। लिंक करना है आपको कि ये 5 और 2 को आप माइनस करेंगे तो 3 मिलता है, ये 3 कहाँ से आया आपके पास, 5 - 2। यहाँ चेक करते हैं तो ये आपको 5 कैसे मिला, 9 - 4, तो यहाँ 7 - 6 = 1, 1 की पावर 1 होती है, तो यहाँ पे बच्चों राइट नंबर वॉज 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, 1। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मल्टीपल सीरीजेस को एक साथ डाला गया, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, पावर 1 भी है और हर रो में एक सीरीज है, तो एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को रीजनिंग का इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनालॉजी, नंबर सीरीज को अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा गया है। तो 170 इज रिलेटेड टू 196, देखो 196 तो एक स्क्वायर है, राइट
ये देखा जाए तो ये 13 के स्क्वायर में एक जोड़कर मिलता है ना, 169 प्लस 170। और 50 भी बच्चों 7 के स्क्वायर में एक जोड़कर मिलता है, 49 प्लस 1 इज 50। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे नंबर क्या आएगा, तो आप यहां से नंबर को रिलेट करिए, 13 का नेक्स्ट नंबर 14 है, तो यहाँ 7 का नेक्स्ट नंबर 8 जिसका आपने स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ नंबर आना चाहिए बच्चों 64। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस एनालॉजी इज 64, 50 इज रिलेटेड टू 64। विच वेन डायग्राम विल रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स गिवन बिलो, इंजीनियर स्टूडेंट एंड मेल। अब देखो जो इंजीनियर है वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे इंजीनियर ही स्टूडेंट हो, कुछ स्टूडेंट मेल हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर भी मेल हो सकते हैं। तो इसका मतलब इंजीनियर स्टूडेंट्स और मेल, इन तीनों के सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे, तो इसका बेस्ट आंसर ये रहेगा वेन डायग्राम। नेक्स्ट इज अगेन आपके पास है कि ये रिलेशनशिप आपने चेक करना है कि ट्विस्ट और टर्न किस तरह रिलेटेड है, इसी तरह आपने बताना है कि एलिएशन का बेस्ट आंसर क्या होगा। तो ट्विस्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सट्रीम पोजीशन तक जाके टर्न कर देना, टर्न मतलब सिंपली मूव करना, राइट, किसी के अराउंड टर्न कर देना। तो एलिएशन का मतलब होता है अति प्रसन्नता, एक बहुत ज्यादा प्रसन्नता। तो उसके लिए कम प्रसन्नता के लिए मैं बोलूंगा कि आई एम सेटिस्फाइड, राइट, तो सेटिस्फैक्शन इसके लिए एक सही वर्ड रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। पर जो नेक्स्ट डे 17 फरवरी को जो पहली शिफ्ट हुई उसमें किस तरह के सवाल आए, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो एक एक करके मैं सभी शिफ्ट के सभी सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। 2/4 का 1/3 क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन 1/6 होगा, ये मैं समझता हूँ सभी बच्चे इसको करेक्ट करके आए होंगे। A sum of rupees 12,000 was taken at simple interest at some rate. After 4 months, rupees 6,000 more was added, and total principal was charged at double the earlier rate of interest. At the end of the year, the total interest was 2,800. Find the rate of interest. So, 2,800 rupees interest raha. Simple interest ka question hai. Simple interest ka jo formula hai, P into R into T by 100. So, basic fundamental question hai. सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे, तो लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपने निकालना है पहली बार 12,000 पे निकालना है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4 महीने को वर्ष में बदल लेंगे 4/12, और अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा 6,000 रुपए और ऐड करके 12 और 6 18,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट अब डबल हो जाएगा, डबल द रेट ऑफ अर्लियर इंटरेस्ट रेट, और बचे हुए 6 महीने के लिए लगेगा, 8 महीने के लिए लगेगा, 4 पहले बीत चुके हैं। तो दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बच्चों ये सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10%। ये 280 आ रहा जाएगा जो 2800 को कैंसिल कर देगा, तो आंसर आ जाएगा सिंपल 10%। तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे डायरेक्टली बेस्ड था। एवरेज स्पीड, मैंने कई बार बताया कि एवरेज स्पीड का बच्चों फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न कर लो जब दो बराबर दूरी दी हो। यहाँ पर बोला गया है ए से बी और फिर बी से ए वापस आने की, दो अलग अलग रफ्तार 40 और 60 है, तो औसत रफ्तार क्या होगी। तो एवरेज स्पीड में आपने 2ab/a+b वाला रूल लगाना था जिसमें ए और बी आने और जाने की रफ्तार होती है। तो 2 × 40 × 60/40+60 100, तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आर। तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हर बार लगभग ये सवाल पेपर में होता ही होता है। 30 dozens ऑफ नट्स वर बॉट फॉर ₹14,400। 30 dozen मतलब 360, तो 360 नट आपने कितने के खरीदे, 14,400 के खरीदे। 32 पैकेट और खरीदे 20-20 नट के, मतलब 640 नट और खरीदे, गुणा कर लेंगे ना 32 को 20 से, और ये आपने खरीदे 57,600, मतलब कुल 1000 नट खरीदे गए ₹72,000 के, राइट। और फिर ₹432 का एक पैकेट जिसमें 5 नट है, इस प्रकार बेचा गया, तो बताओ इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपने करना क्या है कि आपने यहां से एक नट की
प्राइस निकाल लेनी है कि एक नट की कॉस्ट, तो ये 3 जीरो तो कट गए, ₹72 एक नट की प्राइस हुई है ना, 1 CP कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं कि 5 नट 432 की हैं जो बेचे जा रहे हैं, तो एक कितने का हुआ है ना, 432/5, इनका अंतर देख लेंगे कि व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 432/5 माइनस 72, तो प्रॉफिट हो रहा है 72/5 का। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, तो 72 को 72 काट देगा, 1/5 मतलब 20% प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने प्रॉफिट निकालना था, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक नट की कितनी होगी, एक नट की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी बच्चों, 432/5, राइट, ये 32 है, 2 है, 432/5 और माइनस कर दीजिए कॉस्ट प्राइस, तो उसमें से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लाभ का प्रतिशत, लाभ के प्रतिशत का रूल अप्लाई करिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेन स्ट्रीम के सवाल भी फिक्स रहते हैं, हर वर्ष पूछा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोहित कैन रो अ बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है बोट माइनस वाटर, एंड ये 1 नहीं है बच्चों, 44 है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है बोट प्लस वाटर, टोटल इन 10 आवर्स, ये टोटल टाइम 10 घंटे है। इसी प्रकार कहते हैं कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोट माइनस वाटर एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बोट प्लस वाटर, वो कवर करता है 13 घंटे में। तो बताओ बी का वैल्यू कितना है, बोट की चाल कितनी है स्टिल वाटर। मैंने बताया हुआ है कि इस तरह के सवालों में आपने करना क्या है, ये चेक कर लो केवल कि ये जो दो फिगर्स हैं यहाँ पर, ये किससे कटती हैं, ये 11 से कटती हैं, इसका मतलब बोट प्लस वाटर क्या होगा, 11 होगा। 11 से इसको कट करोगे तो 11 × 44 और यहाँ आ जाएगा 5, तो 10 में से 4 घंटे तो यहाँ लगे, तो यहाँ 6 आना चाहिए, ये 6 कैसे आएगा जब नीचे क्या हो, 5 हो, तो यहाँ भी नीचे 5 होना चाहिए, जो इसको कट करेगा तो 8 आएगा, 8 × 5 = 13, बिल्कुल ठीक बैठ गया, इसका मतलब यहाँ 5 और यहाँ 11 होना चाहिए, तो बोट प्लस वाटर इज 11 एंड बोट माइनस वाटर इज 5। आपसे बोट की चाल पूछी है, दोनों को ऐड कर दो तो बोट की चाल आ गई 8 किलोमीटर/आवर। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुके हैं, और ये ट्रिक भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे इक्वेशन बना के, जस्ट जजमेंट से ही पता लग जाता है कि यहाँ बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू के लिए रिजल्ट क्या होंगे। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर का अपने ही रेसिप्रोकल का जो उसका सम है इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, राइट। फिर दोबारा से एक इक्वेशन का क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में लगभग दिया गया, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, x² + 1 डिनोमिनेटर में जो x आएगा वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के x से कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू 3x² - 3, तो बच्चों x² आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू √2, वो संख्या क्या है, वो संख्या है √2, आपसे वो संख्या पूछी गई थी कि बताइए वो संख्या क्या होगी। 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से विभाजित तो नहीं होते लेकिन उनमें 4 आता है, जैसे 14 नंबर है उसमें 4 आता है लेकिन वो 4 से विभाजित नहीं होता, 24, 34, 44 में 40, 41, 42, 43, 44 चला जाता है, 45, 46, 47, 48 चला जाता है, 49, ये सभी ऐसे अंक हैं जिसमें 4 तो आता है लेकिन वो 4 से विभाजित नहीं होते। 5 में फिर आता है बच्चों 54, 74, 94 है ना, तो ये कुल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसमें हमने देखो ये 40 नहीं लेना है, ठीक है, 12 इसका आंसर है, 40 तो 4 से चला जाता है, जबकि हमें क्या लेना है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 40 वो संख्या नहीं, 41, 43, 42, 43, 45, 46, 47, 48 फिर चला जाता है, वो नहीं लेना है। तो कुल मिला के ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे 12 नंबर हैं, तो ये सवाल पेपर में पूछा गया, दैट सच नंबर्स आर 12 इन काउंटिंग। 143 और 343 में देखो 43 हर बार
कॉन्स्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, 1, 2, 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 4 और 43 जो सेम है, तो 443 इज द करेक्ट आंसर फॉर नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। तो सीरीज के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर वर्ष, और इस वर्ष भी काफी क्वेश्चन सीरीज के एनालॉजी के फॉर्म में और नेक्स्ट टर्म क्या होगी इस फॉर्म में पूछा गया रहा है। 170, 196 ये क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया था कि ये 169 प्लस 1 और ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है, 13 और 14 में प्लस 1 का चेंज है, तो यहाँ 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1, 50, तो 7 का नेक्स्ट नंबर 8 का स्क्वायर, यहाँ नंबर आना चाहिए 64, सो राइट आंसर इज 64। वेन डायग्राम आपने बताना है कि ऑथर जो कुछ भी लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बुक लिखते हैं, राइट वो ऑथर है, ऑथर कैन बी मैन, नॉट ऑल, सारे ऑथर नहीं, लेकिन यस कुछ ऑथर मैन हो सकते हैं, कुछ मैन पायलट हो सकते हैं, कुछ ऑथर भी पायलट हो सकते हैं, तो तीनों का डायग्राम इस प्रकार रहेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ, ये इसका बेस्ट वेन डायग्राम होगा। एथलीट बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स में कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे हम, ये दो अलग अलग सर्कल होंगे, लेकिन दोनों ही एथलीट हो सकते हैं, तो एथलीट का पार्ट बॉयज और गर्ल्स दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, दिस इज द बेस्ट डायग्राम, बेस्ट वेन डायग्राम फॉर दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट, साइलेंस नॉइस एंड सॉलिट्यूड, देखो साइलेंस का मतलब है शांति, और जो शांति को भंग करती है वो होता है शोर शराबा, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है ना, तो सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, अकेलेपन का बिल्कुल अपोजिट कर देंगे जब हम अकेले नहीं है, हम किसी की कंपनी में है, राइट, वी व्हेन वी आर विद समबडी, तो सॉलिट्यूड का अपोजिट क्या हुआ, कंपनी, तो यहाँ अपोजिट वर्ड्स का रिलेशनशिप बनाया गया। 17 तारीख को जो दूसरी शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, अब उस पे आ रहे हैं कि किस तरह के सवाल आपके 17th को पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। 6,305 रुपए को भाग दिया गया, मतलब बांटा गया ए बी और सी के बीच में इस प्रकार से कि 5% के अनुसार जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तीनों के लिए, 2, 3 और 4 वर्ष का रिस्पेक्टिवली, तो वो जो उनको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद वो रिजल्ट उनका आपस में बराबर था, उनका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर था, तो बताइए बी का शेयर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें अमाउंट अमाउंट की बात करेंगे, 1 + R/100 raised to power n, तो यहाँ पे बच्चों जो आप लोगों ने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ना लेके आपने यहाँ पे अमाउंट लेना है, ये मैंने इसको करेक्शन कराना था, तभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि कुछ बातें जो हमने चेक करी है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स आप लोगों ने बताए थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसमें जो चेंजेस करने के बाद पता लगा, वो बता रहा हूँ कि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं अमाउंट लीजिएगा, तो अमाउंट जो मिला पहली बार, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम ए बी सी का शेयर ले लेते हैं एक्स वाई जेड, है ना, तो तीनों को मिलाकर कितने रुपए मिले, 6,305 रुपए, राइट, तो पहले को x 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, दूसरे को y 5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए, दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है, ये पूरा पार्ट कट जाएगा, तो x अपॉन y आ जाएगा बच्चों 21/20, ये कट जाएगा 20, तो 21/20, इसी प्रकार y और z का रिलेशन भी 21/20 आ जाएगा, तो आप एक्स वाई जेड का एक कंबाइंड रेशियो ले लेंगे, तो वो आपको मिल जाएगा 441, 420, 400, राइट, ये आपको रेशियो मिल जाएगा तीनों का। आपसे पूछा गया है बताइए बी का शेयर क्या होगा, तो बी को 420 भाग मिलेंगे, ये हो गया 1261 कितने के, 46305 के, तो ये कट जाएगा बच्चों, कुल मिला के बी को मिलेंगे 2100 रुपए, राइट, मिलेंगे नहीं, जो उसका शेयर था जो बांटा गया था तो वो उसका 2100 रुपए होगा। इसी प्रकार अगर ए का पूछा गया होता तो 441 से गुणा करते, सी का पूछा गया होता तो 400 से गुणा करते, तो यहां पर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फाइंडिंग द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा ऐसा नेम है जो इन चारों में बिल्कुल ऑड वन आउट है, जो मैच नहीं करता। देखो यमुना, नर्मदा और ताप्ती या तापी, ये सभी मुख्य नदियां हैं भारत की, हिंडन एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर क्या था बच्चों, हिंडन, हिंडन इज नॉट अ रिवर, इट्स अ ट्रिब्यूटरी फॉर यमुना,
तो बच्चों तीनों दिन के पेपर अब ओवर हो चुके हैं, 16, 17, 18, 19 तारीख से हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एफ कैट 2024 के लिए बिल्कुल लेटेस्ट नया बैच। तो उस बैच का बच्चों स्टार्टिंग हो रहा है 19 फरवरी, राइट, यानी कि कल से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। एक भी दिन का विलंब नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट बैच नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि कंप्लीट सब जो सिलेबस है वो इस बैच में कवर होगा। बच्चों एक एक पॉइंट जितने भी सवाल इस बार पेपर में आए हैं सभी हमारे कोर्सेज में पढ़ाए जा चुके हैं और मैराथन और प्रैक्टिस सीरीज में रिवाइज भी कराए जा चुके हैं। स्पेशल फोकस रहता है बच्चों स्टैटिक जीके के ऊपर, क्योंकि वो आपके पेपर का एक अहम हिस्सा है। और ये पूरा कोर्स कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आपका जो स्कोर बनेगा, जो स्कोर है वो 220 प्लस तक जाएगा। ये इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए पूरा ये कोर्स बनाया गया है, तभी इतने सारे बच्चों के सिलेक्शन है। संजीव की रैंक रही ऑल इंडिया रैंक 11, और ना केवल संजीव, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बायजूस एग्जाम प्रेप को ज्वाइन किया है और वो अपने एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। आप लोग भी विलंब मत करिए, राइट, जल्दी से जल्दी हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और न्यू बैच को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एलिगेशन और मिक्सचर का, कि 1000 ग्राम शुगर को बांट दिया गया है 8% और 18% प्रॉफिट के लिए दो भागों में, राइट, मतलब कुछ भाग 8% प्रॉफिट और कुछ भाग 18% प्रॉफिट पर बेचा गया, लेकिन कुल मिलाकर जब देखा गया तो मर्चेंट को 14% का प्रॉफिट हुआ। मैं बता चुका हूं कि इस तरह के सवालों में एलिगेशन लगाया करो, तो 2:3 के अनुपात में यह 1000 ग्राम बांटा जाएगा, तो 18% वाला भाग कितना हो जाएगा 600 kg, राइट, 600 किलो सेकेंड पार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एलिगेशन। ह्यूमंस वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन, ह्यूमन कैन बी वेजिटेरियन एंड कैन बी नॉन वेजिटेरियन, लेकिन नॉन वेज और जो वेज का पोर्शन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ह्यूमन कैन बी वेजिटेरियन, दे कैन बी नॉन वेजिटेरियन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिगर। ये बच्चों इस तरह का सवाल इस बार पूछा गया जिसमें आपको कहा जा रहा है कि एजुकेटेड पीपल स्क्वायर बॉक्स से, स्टूडेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स से और टीचर सर्कुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो आपने बताना है ऐसे कितने लोग हैं जो एजुकेटेड स्टूडेंट हैं और टीचर भी हैं, मतलब एजुकेटेड स्टूडेंट और टीचर तीनों हैं, तो जो तीनों के पोर्शन में नंबर आता है वो लेना है। देखो 12 केवल रेक्टेंगल में आता है, 11 केवल स्क्वायर में आता है, 9 केवल सर्कल में आता है, ये तीनों नंबर बाहर हो गए। 6 जो है वो सर्कल में आता है, स्क्वायर में आता है, रेक्टेंगल में नहीं आता। 5 जो है वो रेक्टेंगल और सर्कल में आता है, स्क्वायर में नहीं आता। 8 ही वो नंबर है जो तीनों में आता है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ इसका 8। इस तरह से आपने एक एक नंबर को चेक करते जाना है, जो रॉन्ग है उसको बाहर कर दीजिए। सिंपल सा नंबर है, ऐड करना है 1.321 इज द आंसर। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी इस बार पेपर में पूछे गए हैं। तो बच्चों AIR रैंक रही संजीव की 11, और ये हमारे जो पास्ट FCAT का जो कोर्स है उड़ान कोर्स, उनसे इन्होंने पास आउट किया है और इनका सिलेक्शन हो चुका है FCAT में, राइट। तो आप लोगों के लिए भी हम लेकर आ रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट बैच, कल से स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी 2024। आज आप लोगों के तीनों पेपर ओवर हो चुके हैं, मैं आप लोगों के लिए आज 18 फरवरी को ही लेकर आया हूँ तीनों के सॉल्यूशन। तो जल्दी से जल्दी हमारे न्यू बैच में शामिल हो जाएं ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम कोर्स को पा सकें, अपना ड्रीम फ्यूचर क्रिएट कर सकें। 18 की शिफ्ट जो कि आज की शिफ्ट रही उसमें किस किस तरह के सवाल पूछे गए देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 65 एंड हॉल्ट एट 8 जंक्शंस फॉर सर्टेन टाइम, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर इन वन डे, दैट इज 24 आवर्स। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन इफ द हॉल्ट ऑफ द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल द जंक्शन, हर जगह वो एक इक्वल टाइम के लिए रुकती है। तो 1300 किलोमीटर को यदि तय किया जाए 65 की रफ्तार से, राइट, तो 65 × 130 तो 20 घंटे लगेंगे, है ना, 20 आवर्स टाइम ये लगेगा। लेकिन टाइम लगा कितना है, टाइम तो लगा है 24 घंटे, इसका मतलब वो 4 घंटे कहाँ गए, 4 घंटे हॉल्ट के हैं, है ना, 4 घंटे किसके हैं, हॉल्ट के हैं।
और कितनी बार हॉल्ट लिया है, 8 बार, 8 जंक्शंस पे हॉल्ट लिया है। तो 8 जंक्शन 4 घंटे, मतलब प्रति हॉल्ट में आप 30 मिनट, आधा घंटा लगा रहे हैं ना, तभी आपको 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर था 30 मिनट्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 17। 17 एक प्राइम नंबर है और वो 17 × 1 से ही बनेगा, तो वो दो नंबर हैं, वो दो नंबर हैं 17 और 1। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल का सम बताएं, तो 17 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1/289+1, तो 290/289। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, राइट? इतना ही, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके हर एक शिफ्ट में इस तरह के इजी रहे। A sum was divided. A man want to divide a sum of rupees 37,500 among his son and daughter, aged 12 and 14 respectively, in such a way that attaining the age of 18, and each get the same amount of 5% simple interest. तो son का share बताना है। मान लीजिए son को x मिलता है और x पे उसको interest भी मिलता है, 12 से 18 मतलब 6 वर्षों का interest 5% के अकॉर्डिंग राइट मिलता है, और जो y है उसको इंटरेस्ट मिलता है 4 वर्षों का 5% के हिसाब से, राइट? लेकिन वो सेम अमाउंट पाते हैं, अमाउंट मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पाते हैं, राइट? तो यहां आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 3/13 x/10, राइट, इज इक्वल्स टू ये 25, तो 6y/5, 5×2, तो x/y आ गया 12/13। आपसे पूछा गया है सन का शेयर, मतलब x पूछा गया है, तो x हो गया बच्चों 12/25 गुणा 37,500। तो इसको आप हल करेंगे तो आपको x का आंसर मिल जाएगा 18,000 रुपए। तो सन को 18,000 रुपए का शेयर प्राप्त हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का आसान सा क्वेश्चन था। पॉलीगॉन के अंदर होंगे रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब मेनी साइडेड फिगर, उसमें रेक्टेंगल एक फिगर होती है, और सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं बच्चों, ये डेफिनेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो दिस इज द बेस्ट वेन डायग्राम फॉर दीज थ्री डेफिनेशन। 3 और 4 बजे के बीच में, मतलब एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 और 4, द नीडल्स ऑफ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर एट अ डिग्री ऑफ 180। देखो जब 3 बजते हैं तो आर और मिनट हैंड एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पे होते हैं, और इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, ये याद कर लो, ये शॉर्टकट है, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री पर मिनट है, मतलब एक मिनट में ये 5.5 डिग्री कवर करती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5.5 मिनट, 5.5 डिग्री यदि वो एक मिनट में तय करती है, राइट, तो 1 डिग्री वो 1/5.5 मिनट में तय करेंगी, मतलब 10/55, 2/ इसको कट कर लीजिए, 2/11 आ जाएगा, राइट, इसको याद कर सकते हैं, 1 डिग्री 2/11। तो अब 180 डिग्री इनको अपोजिट होना है, मतलब इनको 270 डिग्री और, मतलब 180 डिग्री और इसमें ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाएंगे। तो लगभग लगभग इनको 270 डिग्री और चलना पड़ेगा, राइट, 270 डिग्री का एंगल यहां से कवर करना पड़ेगा, तो 270 डिग्री विल बी 270/5.5, इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट, 5×11, 5×2, तो 540/11, 11×4, राइट, बचे तो 9, 1/11, 49, 1/11 मिनट पास्ट 3, राइट, 49, 1/11 मिनट पास्ट 3 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, क्लॉक्स पे हर वर्ष एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में बच्चों। कंप्लीट द एनालॉजी, डिटेक्टिव को इंफॉर्मेशन अपने इंफॉर्मर से मिलती है जहां से वो पता करना चाहता है, रिपोर्टर का सभी कुछ उसका सोर्स होता है, तो यहां आएगा सोर्स, रिपोर्टर गेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सोर्स।
सिम्फनी एंड मूवमेंट, सिम्फनी जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करने के लिए जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जिनसे वो प्ले होता है, वो उसको हम मूवमेंट्स कहते हैं। इसी तरह प्ले जो है एक नाटक है जो अपने पार्ट से बनता है, और प्ले के पार्ट्स को बोलते हैं एक्ट, राइट, या सीन। तो एक्ट जो है उन एक्ट से मिल मिल के एक प्ले बनता है, जिस तरह मूवमेंट से मिलके सिम्फनी को चलाया जाता है। सेकेंड शिफ्ट जो अभी अभी ओवर हुई है बच्चों 18th को, उसके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी जल्दी से देख लेते हैं। एक बैग में 5 ब्राउन बॉल है, 5 ब्राउन है और 4 उसमें ब्लैक बॉल है, ठीक है। दोनों दो बॉल उसमें से एक साथ निकाली जाती है, वो दोनों ही सेम कलर की होंगी, क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कैन बी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्राउन इन कलर, राइट, अगर वो दोनों ब्राउन होती हैं 5C2 जब 9 में से 2 निकाली गई, या फिर हो सकता है कि वो दोनों ही क्या हो, वो दोनों ब्लैक हो 9C2 4C2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 4 20, 9 8 72, ये हो गया 4 3 12 और ये भी हो गया 72। तो आंसर सॉल्व करके आ जाएगा आपका 4/9, द प्रोबेबिलिटी इज 4/9 ऑफ गेटिंग द सेम कलर बॉल। What is the suitable diagram for the following? Persons जिनका name start होता है U and I से, मतलब there is a group of persons जिनका नाम U या फिर I से start होता है। Second group है the name of the person starting letter जो है उनका vowel है, A E I O U are the vowels। या फिर तीसरा group है जिनमें persons का name I letter से start होता है। तो मैं इसको best ही समझूंगा क्योंकि ये vowels का group सबसे बड़ा हो गया, एक वो ग्रुप हो गया जिसमें यू एंड आई वाले लेटर्स हैं, और एक ग्रुप हो गया बच्चों जिसमें आई वाले लेटर्स हैं। तो आई वाले लेटर्स को हम यू और आई में ही कंटेन करेंगे क्योंकि उसी में आई भी है, तो हम इसको इस तरह लेंगे, वॉवल्स यू एंड आई एंड आई, है ना, आई इज अ पार्ट ऑफ यू, तो ये वॉवल्स, देन यू एंड आई, आई इज अ पार्ट ऑफ यू क्योंकि दोनों ही एक में है, एंड देन आई, आई का ग्रुप मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप हो गया। 800 मीटर लंबी अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग जिसकी रफ्तार 80 है क्रॉस करती है एक टनल को 60 सेकंड में, तो बताओ टनल की लेंथ कितनी होगी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर जिसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 800 मीटर लंबी ट्रेन x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, हम टनल की लंबाई x मीटर मान रहे हैं, और जब भी टनल को पार करती है डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई ली जाती है अपॉन 60, तो 6 × 3 6 × 10 ये हो गया 4000 और ये हो गया 2400, तो मतलब 1600 बराबर 3x, राइट। So x is equals to 1600 by 3, 3 × 5 = 15, and into 3 × 3 = 0.33. So approximately 534 meter is the length of that train. उस ट्रेन की लंबाई लगभग कितनी रही होगी, 534 मीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ आज भी, जो बच्चे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन दे दूं कि FCAT 2 के लिए जो इस वर्ष का दूसरा FCAT का एग्जाम होगा, हमारा न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी 2024 से, वी आर स्टार्टिंग फ्रेश बैच, अ न्यू बैच फॉर FCAT स्टूडेंट्स। जो बच्चे FCAT को टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ, जो टारगेट कर रहे हैं कि बहुत बेस्ट स्कोर मिले, ये एक बहुत बेस्ट स्कोर को माइंड में रख के डिजाइन किया गया है, तभी बच्चों के सिलेक्शन है, तभी इतने अच्छे रिजल्ट हैं। तो कल से बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है, एक दिन हम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल विलंब मत करिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच का पार्ट बने। सो बी विद अस इन द न्यू बैच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो वेयर आई हैव गिवन यू ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट 16th, 17th and 18th, किस तरह के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए। मैथ्स का पार्ट थोड़ा कैलकुलेटिव था एंड रीजनिंग में नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। विद दैट आई विल लाइक टू फिनिश दिस वीडियो, विल मीट यू नाउ विद न्यू वीडियो एवरी डे ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट, टेक केयर, बाय, जय हिंद।